साथ 5 जिले के किसान सर जुड़े हुए हैं, बाकी जिले से किसान और लगभग 10 लाख लोगों को SMS किया गया है सर कि वो आज इस कार्यक्रम को देखें सर। इसमें मूंग खरीदी का पंजीयन सर आज प्रारंभ हो जाएगा जिले में सर, और किसानों ने सर इसकी सोमवार से हम खरीदी प्रारंभ कर देंगे सर। जिलों में सेंटर्स वगैरह का निर्धारण की कार्रवाई तब तक पूर्ण कर ली जाएगी। जैसे हमारी सामान्य खरीदी होती है सर, पंजीयन करा के किसानों को SMS दे के सेंटर्स पर बुलाया जाएगा सर, और वहाँ से जैसे उनकी खरीदी होते जाएगी ऑनलाइन उनके बैंक खाते में राशियाँ ट्रांसफर की जाएंगी सर, जो हमारी सक्सेसफुली एक अच्छी व्यवस्था चल रही है सर। मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहूँगा सर कि वो हमारे इस मूंग खरीदी की आवश्यकता और उस पर सर आपको ब्रीफ करें सर। संजय सबसे पहले तो मैं माननीय गांव गरीब और किसानों के मसीहा, हम सब के मार्गदर्शक, संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तथा तो हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त श्री जेके सिंह जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव अजीत केसरी जी, नरहरी जी सहित हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, हमारे किसान प्रतिनिधि भी आए, सबका मैं कृषि विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार गर्मी की मूंग की फसल को खरीदने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किसानों के हित में लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय 2022 तक दोगुना करना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 5 साल का रोड मैप बनाया किसान की आय दोगुना करना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उनका संकल्प रहता हमेशा कि चुनौती को, जो संकट है उसको चुनौती में स्वीकार करो, चुनौती को अवसर में बदलो। तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में इस कोरोना काल के संकट में जब सारे उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय बंद थे, सिर्फ एक क्षेत्र खुला था कृषि, और तवा नहर का पानी और बाकी जगह भी डैम के पानी छुड़वाकर गर्मी में किसानों को पानी दिलवाया, जिसके कारण किसानों ने पसीना बहाकर मूंग पैदा किया। मध्य प्रदेश में 4,77,000 हेक्टेयर में मूंग की बोनी 25 जिलों में की गई गर्मी की, और लगभग 6,56,000 मेट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, भारत सरकार ने उसका समर्थन मूल्य 7,196 रुपये घोषित किया गया, लेकिन बाजार में रेट बहुत कम हो रहा था। अगर ये समर्थन मूल्य पे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते तो जो 7,196 रुपये की जगह वो 5,000 के अंदर आ जाता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं किसानों की ओर से पुनः धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने घोषणा की, और जैसे ही घोषणा की तो 500 रुपये रेट बढ़ गया। कल 5,000 के 6,000 के अंदर था, वो 6,000 हुआ, आज 6,500 से ऊपर हो गया, औसत 6,000 हुआ जो कल 5,500 था। और किसानों को इससे अतिरिक्त लाभ होगा और करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैसा मिलेगा। तो मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। और आज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 8 जून से हम पंजीयन शुरू करेंगे और 15 जून से खरीदी शुरू करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज पंजीयन का शुभारंभ भी कराएंगे, और हमारे इस कार्यक्रम में 10 लाख किसान जुड़े हुए हैं 25 जिलों के, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे किसानों को वो संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका, आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसके लिए एक बार पुनः आपका आभार। सर धन्यवाद मंत्री जी। सर 5 जिले से किसान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं सर। सर्वप्रथम हम होशंगाबाद जिले में श्री राम भरोसे बासोतिया कृषक से बात कर रहे हैं। सर राम भरोस जी जी भाई साहब, जय बलराम। राम भरोस जी ठीक है भाई साहब? आपने भी मूंग लगाई है क्या? जी लगाई है भाई साहब। कितनी है कम में? 8 हेक्टर में। कितनी हुई है अभी? निकल रही भाई साहब, एक शिखा 10 लगाई है मैंने, वो 8 क्विंटल से ऊपर ही निकलेगी, अभी निकल रहा है, आज तुलाई होगी शाम तक। या कब से कर रहे हैं मूंग की खेती आप? मैं करीबन 8 वर्ष से कर रहा हूँ, मर वो मोटर की सिंचाई थी तो 4-5 एकड़ में करते थे बस। अच्छा, इस बार ज्यादा हो गई।
इस बार पूरे खेत में किया है सब। नहर के पानी छुड़वाना? हाँ, नहर के पानी के। टमाटर का पानी छुड़वाने से? नहर के पानी कर, इसके लिए भाई साहब पहले मैं एक बार धन्यवाद दे दूं आपको कि वास्तव में आपने इतना अच्छा प्रयास किया। और हमको पहले मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को समझाना पड़ता था, मगर दोनों किसान के पुत्र है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कमल पटेल जी तो हमारे बिल्कुल छोटे भाई के समान है, जो बोलते जैसा बोलते समय पर सुनते, और आप भी सुनते, इसके लिए बहुत बहुत जिले के किसान की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। कि जो किसान परेशान थे, हालत ख़राब थी, क्योंकि गेहूं और चने में जो मिलता वो मिलता एक 60 दिन की फसल में इतना अच्छा पैसा, और आपने समर्थन मूल्य पर खरीदी की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम भरोस जी, और सभी किसानों को होशंगाबाद जिले के मैं बधाई दे रहा हूँ। इस फैसले से सब प्रसन्न है ना? जी प्रसन्न है भाई साहब। थोड़ी सी एक और समस्या है भाई साहब, 65,000 किसानों का पंजीयन होना है। बारिश करीब में है तो खरीदी में थोड़ा सा कठिनाई आएगी, इसके लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी गेहूं इसमें मेरा निवेदन है कि आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि बारिश आएगी, ऐसा नहीं 15 जून तक तो बारिश आने लगती है, 30 दिन तक, 90 दिन तक खरीदी जारी रहेगी, ये 2-4-5 दिन के लिए नहीं है, 90 दिन तक खरीदी जारी रहेगी। और इसलिए ऐसी परिस्थिति के घनघोर बारिश हो रही है, मूंग भीग रहा है, वैसे में नहीं आना है, व्यवस्था भी हम ऐसी करने की कोशिश करेंगे कि अंदर खरीदें ताकि किसान को दिक्कत ना हो। और किसान भी ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि भीगते भागते ना आए, कम से कम वो खराब ना हो फसल, मूंग खराब ना हो, इसकी चिंता करे। और इसलिए कोई हड़बड़ भी नहीं है, हम लोगों के पास समय है, हम आराम से खरीदी कर सकते हैं। इसलिए इन भाई को मैंने यही समस्या आपको बताई थी भाई साहब। हाँ। कि हमारा स्टाफ पूरा जैसा अभी लगा, ईमानदारी से वैसा लगा रहे, सबको यथावत आपने पहले व्यवस्था अच्छी दी, आपके नेतृत्व में अच्छा काम, उसके लिए पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम भरोस जी। जी सर। हाँ सर, इसमें अगला जिला हमारा सर हरदा जिला है सर, श्री ललित पटेल हरदा जिला। ललित जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी, आपका आशीर्वाद है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हमारे ऊर्जावान कृषि मंत्री जी भी हमारे ज़िले से, और आपने विगत 2 वर्षों से जो हमारे ज़िले को हरदा होशंगाबाद को नहर का पानी ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए दिया है, उससे हमारे खेत में मूंग की फसल लहलाई है, सुख समृद्धि घर में आई है, हर किसान के घर में मूंग का उत्पादन हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आपने इस बात को चरितार्थ किया है कि वास्तव में आप किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं और सच्चे किसान सेवक हैं, इसके लिए आपको पुनः एक बार आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी आपको भी बहुत बधाई। कितनी जमीन है आपके पास खेती की? मेरे पास संयुक्त परिवार में 16 हेक्टेयर जमीन है माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैंने सभी में मूंग लगाई है। अच्छा, 16 हेक्टेयर मुझे मूंग लगाई? हाँ जी। और उसका मुझे उत्पादन भी बहुत अच्छा मिला है, इस बार 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका उत्पादन मुझे प्राप्त हुआ है। MH 421 वेराइटी मैंने लगाई है। फसल कैसी हुई है? फसल बहुत अच्छी हुई है मामा जी। बस तो आपको बहुत बधाई, हरदा जिले ने तो जबरदस्त, होशंगाबाद जिले ने भी, हरदा जिले ने भी लगभग पूरी जमीन में मूंग लगाई है। तीसरी वैकल्पिक फसल, जो तीसरी फसल है ग्रीष्मकालीन, इससे क्या फायदा होता है, क्या बताएंगे थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा मामा जी। इससे किसानों को ये फायदा होता है कि एक तो ये 60 दिन की फसल है, बहुत कम समय में ये फसल पककर पैदा हो जाती है, और इसमें लागत जो किसानों की है वो थोड़ी कम लगती है, और इसमें भाव भी अच्छा, समर्थन मूल्य पे आपने एक नई घोषणा की है जिसका लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ, 7196 इसका समर्थन मूल्य है, तो इससे निश्चित ही लाभ मिलेगा, 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ ये उत्पादन आ रहा है, तो वास्तव में एक बहुत अच्छी मतलब आर्थिक स्थिति बनेगी किसानों की, और आपका और प्रधानमंत्री का जो सपना है किसानों की आय दुगनी करने का 2022 तक का, वो कहीं ना कहीं समृद्ध और साकार होगा। ठीक है ललित जी, बहुत बधाई हरदा जिले के सभी भाइयों को, वैसे तो कृषि मंत्री वहां से आते हैं। बिल्कुल। और मामा जी मेरी एक बात और है आपसे। हाँ बताइए। आपसे निवेदन, सोयाबीन की फसल जो कि मतलब अब एक वैकल्पिक हो गई है, ये मतलब एक नुकसान का ही मायना रह गई है, मतलब इससे कोई फायदा नहीं किसानों को हो रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका कोई भी विकल्प मक्का, ज्वार, तिल, इस पर भी जोर दिया जाए मामा जी। बिल्कुल, इस पर विचार करेंगे कि कैसे क्रॉप पैटर्न बदल सकता है, उस पर भी निश्चित रूप से ललित जी जाएंगे। सब जिले के सभी किसानों को बधाई, एक बार पूरे बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। सर अगले किसान है सीहोर जिले के नसरुल्लागंज क्षेत्र से, श्री सुनील। कैसे हो सुनील? नमस्कार सर। नमस्कार, बढ़िया है सर। कितनी कितनी खेती है मूंग की?
सर 45 एकड़ है मेरे पास और मैंने 25 एकड़ में मूंग लगाई इस वर्ष। जब 25 एकड़ में लगाई, इसके पहले भी लगाई है पहली बार लगाई? नहीं सर, पहले पिछले 5 सालों से लगा रहे हैं। इस बार कैसी हुई है फसल? सर बढ़िया हुई, हमारी लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन हुआ सर उसका। अच्छा उत्पादन हुआ है। ये ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल से कि किसान की आय में कोई परिवर्तन आया है? सर बहुत परिवर्तन आता है सर, इससे एक आर्थिक स्थिति अच्छी होती किसानों की और इससे एक अलग अपने को ग्रीष्मकालीन उत्पादन मिल जाता है, इससे आय में भी परिवर्तन आता है। कितनी 3 फसल लेते हैं आपकी, 2 लेते हैं? 3 लेते हैं सर। 3 लेते हैं, 3 में से जो लागत आती है वो अगर निकाल ली जाए तो कितनी बचती, 2 फसल बच जाती या 1 बच पाती? हाँ सर, अगर मूंग अच्छा हो जाए तो 2 फसल सोयाबीन और गेहूं बच जाता है सर। उनका खर्चा इसमें निकल जाता है? उनका खर्चा इसमें पूरा निकल जाता है सर, पर खर्चा सर इसमें भी है मूंग में भी। हाँ सर, तो आपको सीहोर जिले के किसानों को, नस्लागंज के किसानों को बहुत बधाई। ये खरीदी 90 दिन तक जैसा हमने बताया कि जारी रहेगी, उसमें भी सब किसानों का सहयोग अपेक्षित है। बहुत बधाई आपको। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए। सर हमारे अगले काश्तकार हैं नरसिंहपुर जिले से, श्री मनीष कुमार। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं मनीष जी? सर बहुत बढ़िया सर। कितने एकड़ में मूंग लगाई आपने? 7 एकड़ में लगाई है सर मैंने। अच्छा, कब से लगा रहे हैं मूंग? सर पिछले साल 2 एकड़ में लगाया था, इस साल बढ़ा के 7 एकड़ करी है सर। फसल अच्छी हुई है? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, सरकार समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदती तो क्या भाव बिकती? 5,555 बिकती सर। चलिए, तब 7,196 बिकेगी आपकी मूंग है। जी सर, वो तो आपके आदेश होने के बाद 500 रुपए बढ़ गए मंडियों में सर रेट। अब ये भी माया ही है, देखो सरकार जी, सरकार ने तय किया खरीदेंगे तो बढ़ गए, हो सकता है और बढ़े। बहुत धन्यवाद सर। समर्थन मूल्य से ऊपर हो जाए, ठीक है। आपको भी बहुत बधाई और नरसिंहपुर जिले के सब किसानों को खूब बधाई। सर अगले कास्ट कर देवास जिले से, देवास जिले से नर्मदा प्रसाद जी। सर नर्मदा भैया नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। कैसी हुई मूंग इस साल? मूंग की पैदावार अब के साल अच्छी है सर। अच्छी, कब से बो रहे हैं आप मूंग? 3 साल से बो रहे हैं सर। 3 साल से गर्मियों में लगाते हैं? गर्मी में जी सर, 60 दिन की फसल होती है, इस कारण से पैदावार कम समय में मतलब आमन ज्यादा मिलती है। जब पानी कहाँ से देते हैं आप? गर्मी पानी टिब्बेल लगा हुआ है सर खेत में, ट्यूबवेल से पानी देते हैं जी सर, टिब्बेल लगा हुआ है। तो इस बार अच्छी हुई है? जी सर अच्छी हुई। और आपने जो 60-40 की डीपी वाली योजना चलाई थी तो उससे हमारे खेत में डीपी लगी हुई है। अच्छा, और सभी योजनाओं का लाभ मिला आपको ये तो बता दो आप, सरकार की हमारी सरकार की? अभी ये मूंग जो बोया है पीडीएस 139 जो भी आपने दिया मामा जी, और उसी से पैदा लेकर हमने यहाँ तक आ जाए, और केसीसी जो मिलती है जो ऋण मतलब हमको सोसाइटी में, तो हम टेम से भर देते तो जो 10% आपकी छूट है वो भी हमको मिलती है मामा जी। अच्छा, और ये किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री की लाभ मिलता है? जी भी मिलते जी, मिलते सर हर महीने सर, 2-4 हजार रूपए तो आपके तरफ से भी आएंगे और 6 हजार रूपए उनके तरफ से भी आएंगे पीएम साहब की तरफ। अच्छी योजना है ना ये? बहुत सही योजना है मामा जी, छोटे किसान के लिए बहुत बड़ी आपने सोची है, क्योंकि बड़े किसान तो मान लिया जाए कि इनकी पैदा कर को कर देते, पर 1 एकड़ आधा एकड़ जमीन जो होती है तो उसके लिए 10 हजार रूपए मिलना बहुत मायना रखती है। तो चलिए आपको बहुत बधाई, प्रसन्न रहिए, खरीदी सरकार करेगी। मामा जी इसमें थोड़ा, मामा जी थोड़ा इसमें क्या, सेंटर थोड़ा सा हमारे अधिकारी, वैसे तो इन लोगों सभी का बहुत सहयोग रहते, खाते वहाँ पे हमेशा ध्यान रहते, पर सेंटर जहाँ तुलते हैं वो थोड़ा बढ़ाने का, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं होगी, बढ़ जाएगा। आप कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन आप देखिए इतनी कठिनाइयों में कोविड की गेहूं भी अपन ने खरीदा और बरसात को देखते हुए सेंटर बनाने पड़ेंगे ताकि दिक्कत ना हो, खरीदी में नहीं पूरी भींग गई, खराब हो गई, कहीं और समस्या पैदा हो गई, उससे तो बचना पड़ेगा। आप देवास जिले खातेगांव के सभी किसानों को बहुत बधाई। खातेगांव में हमारे विधायक जी भी दिन रात प्रयास करते हैं किसानों के लिए, आशीष शर्मा जी दिन रात मेहनत कहीं नहीं गई, आशीष भी लगे हुए थे खरीदेंगे कि नहीं खरीदो।
सर इसमें हमारे किसानों से चर्चा उपरांत मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सर, और एक बात और उल्लेख करना चाहूंगा सर कि आपके प्रयास से भारत सरकार जो हमें मिनी किट देती थी जैसा अभी किसान ने बताया सर, उसकी संख्या दुगनी हो गई थी सर इस बार, चलिए, और वो काफी पहले किसानों को उपलब्ध कराई थी सर, तो इससे उनको बहुत अच्छी वैरायटी लेने में सर भारत सरकार ने सर एक चीज और शुरू किया है सर, हम लोग भी प्रदेश में शुरू किया सर कि अब जो हम देते हैं किट जो है सर उसमें एक न्यूनतम पैदावार की शर्त रखते हैं सर, मतलब पुरानी नहीं की जगह सर, तो निवेदन है सर आप अपना उद्बोधन लो कमल हाथ लगाओ इसे। करोड़ों रुपए का किसानों का सम्मान हो गया। हमारे कर्मठ और यशस्वी कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई दर्शन जी, किसानों के लिए निरंतर काम करने वाले हमारे नेता आदरणीय राम भरोस जी, यहां मेरे सामने बैठे हुए और प्रदेश भर में विशेषकर मूंग उत्पादन करने वाले किसान जो आज हमें सुन रहे हैं, हमारे किसान बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार है, किसानों की सरकार है। और अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो 2006-07 से अनेकों किसान हितैषी फैसले प्रदेश की सरकार ने भी लिए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने भी लिए हैं। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है किसानों की आय दुगनी करना, और दुगनी आय करने के तरीके हैं, एक उत्पादन बढ़ाओ, दूसरा उत्पादन की लागत घटाओ, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम दिलवाओ, उचित मूल्य मिल जाए, और चौथा अगर प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई हो जाए। हम निरंतर कोशिश ये कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे कृषि मंत्री, हमारे कृषि विभाग, हमारे बाकी सारे साथी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में, कि हम चारों प्रकार से अगर कोई दिक्कत आए तो किसान की के साथ पूरी ताकत से खड़े रहे। पहली चीज है उत्पादन बढ़े, लगातार नई टेक्नोलॉजी आए, सिंचाई का पानी मिल जाए, क्योंकि सिंचाई का पानी अगर आए तो अपने आप आए डबल हो जाती है, उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश में जहां कभी सिंचाई की क्षमता सरकारी साधनों से नहर इत्यादि से केवल 7.5 लाख हेक्टर थी, हमने बढ़ा के उसको कर दी है लगभग 42 लाख हेक्टर और अब 65 लाख हेक्टर तक ले जाना है। तो एक उत्पादन बढ़े उसके लिए हर संभव प्रयास, और अब आप देख रहे हैं 2002-03 तक किसान कितनी फसल ले पाता था, ज्यादातर किसान एक फसल लेते थे, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो किसी ने दो ले ली। ये तीन फसल का चमत्कार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। हम लोगों ने तय किया कि बांधों में पानी तो छोड़ो, किसान के पास ट्यूबवेल और बाकी सब चीजें, तो बिजली का विस्तार भी किया, उसके माध्यम से पानी दो, तो हमारे किसान दो या तीन फसलें लेने लगे, तो उसके कारण उत्पादन बढ़ा है, फसल का भी उत्पादन बढ़ा, फिर तीन फसल लेंगे तो जाहिर है उत्पादन और तीसरी फसल का बढ़ जाएगा। उत्पादन की लागत घटे इसलिए अनेकों 0% ब्याज पर कर्जा क्या है, उत्पादन की लागत घटाने के लिए ने ब्याज दे दे के ही मर जाए, और इसलिए लागत घटाने के अनेकों प्रयास किए, उसके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा, और किसान को उचित दाम मिले। मेरे बहनों और भाइयों, जब से चौथी बार हम लोगों ने सरकार बनाई, कोरोना का महासंकट, पिछले साल भी जब बने तो कोरोना ही में यह सरकार बनाई हम लोगों ने, और उन कठिन परिस्थितियों में जब किसान सोचते थे, राम भरोस जी तो एक बार कह रहे थे कि पता नहीं खरीदी हो कि नहीं हो कोरोना में, कोरोना में, लेकिन हमने जिद करके खरीदी की पिछले साल भी,
1,29,00,000 मीट्रिक टन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इस साल भी महाविकट संकट में महामारी का जब रौद्र रूप चारों तरफ कहर बरसा रहा था, हमने किसान की खरीदी रुकने नहीं दी और लगभग पिछले साल जितनी ही फिर समर्थन मूल्य पर खरीदी कर ली। इतने ही नहीं, हम लोगों ने तय किया, कृषि मंत्री भी मेरे बैठे, चना मसूर सरसों इनकी बाद में खरीदी होती थी, और बाद में होती थी तो कई बार किसान बेच चुका होता था, हमने पहले खरीदी शुरू की, 15 मार्च से शुरू करने का फैसला लिया था। उसके कारण दोनों लाभ मिलते हैं, एक तो कि सरकार खरीद भी लेती, कई बार रेट भी बढ़ जाते हैं कि सरकार खरीदेगी तो चना अपन को चाहिए तो फिर रेट बढ़ जाते हैं, तो बढ़े हुए रेट का ये अलग लाभ खरीदी के कारण होता है। इसलिए चना हमारे पास 1,70,000 मीट्रिक टन ही आया, अभी भी किसी का रह गया और रखा तो चिंता मत करना भैया, अभी भी खरीद ले गया, चना मसूर सरसों बाजरा सब खरीदा। और अब जब मूंग की फसल आई, आप जानते हो इस संकट का समय कोरोना का भी है, अब बरसात आंधी तूफान, ऐसे में बहुत हिम्मत का काम है खरीदी करना। कई लोगों ने कोशिश की मत करो कैसे होगा, नहीं हो सकता, बरसात में खरीदेंगे कैसे, लेकिन जब हम लोगों ने देखा, आकलन किया, हम लोग बैठे तो पता चला मूंग के दाम गिर रहे हैं और घटते घटते 6,000 के नीचे आ गए, तब लगा कि अब तो किसी भी कीमत पे किसान का मूंग खरीद नहीं है, अगर नहीं खरीदेंगे तो ये बहुत कम कीमत हो जाएगी, किसान को घाटा होगा। और इसलिए हम लोगों ने फैसला किया, त्वरित फैसला, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, हिम्मत का काम है लेकिन करेंगे, इसलिए फैसला किया कि मूंग खरीदी जाएगी। अब मूंग खरीदने का फैसला हुआ तो कृषि मंत्री जी मुझे बता रहे थे कि 5-100 रुपये क्विंटल तो बढ़ ही गए, 1,000 का अंतर पहले दिन। हम खरीदेंगे सर, हम खरीदेंगे मूंग, आप चिंता ना करें, क्योंकि सरकार का हित ही किसान का हित है, सरकार का मूल उद्देश्य किसान को लाभकारी मूल्य दिलाना, इसके बिना खेती चल नहीं सकती, टिक नहीं सकती। इसलिए कठिन परिस्थितियों में मूंग खरीदने का फैसला किया। आप सबसे मेरी यही अपील है कि आपका सहयोग इसमें भरपूर चाहिए, 90 दिन तक खरीदी जारी रह सकती अगर जरूरत पड़ी तो, और इसलिए कोई हड़बड़ नहीं है कि पहले दिन दौड़ पड़ो, कोरोना भी है, वायरस है, घट रहा है लेकिन वायरस तो है, तो रजिस्ट्रेशन करा के जब आपको बुलाया जाए तब आप पधारिए। बरसात में आप जानते हैं खुले में खरीदी नहीं हो सकती, क्योंकि पानी आ गया तो खराब ही हो जाएगी, और इसलिए खरीदी करनी पड़ेगी शेड में, बंद स्थान पे, और उन्हीं केंद्रों पे जहां हम सुरक्षित मूंग को भंडारण कर सके। तो गर्मी की खरीदी में और बरसात की खरीदी में अंतर रहेगा, तो मेरा सब किसान भाइयों से निवेदन है कि इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, वो जरूरी है, और इसलिए आवश्यक मात्रा में खरीदी केंद्र खोले जाएंगे, विधिवत रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है, आप धैर्य रखिए, शांति से खरीदी की जाएगी, और व्यवस्था आपको भी बनवाना है, भीड़ ना लगे, भीड़ लगी तो पता चला कोरोना का खतरा है। आप जानते हैं गेहूं की खरीदी में भी हमने उपार्जन के काम में लगे कुछ साथियों को खो दिया बीमारी के कारण, वैसी परिस्थिति ना बने इसकी भी चिंता करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का लगाना, ये करते हुए हम करेंगे, सरकार आपके हित के लिए कृत संकल्पित है, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। एक नहीं अनेक उपाय किए जा रहे हैं, आज उतने विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन किसान का हित हमारी सांस में बसता है, क्योंकि किसान है तो देश है, और किसान हित में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अभी हमने जो 0% ब्याज के कर्जा की जो कर्जा लिया था उसकी तिथि भी अंतिम 30 जून कर दी थी, ताकि किसान सुविधा से दे पाए, तो जब जहां किसान संकट में आता और जरूरत पड़ती सरकार आपके साथ खड़ी है,
अभी हम फसल बीमा योजना के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं, आज मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन कोशिश ऐसी है कि अधिकतम किसानों को लाभ मिले, और विशेषकर हमारे वो किसान भाई और बहन जो लघु हैं, छोटे हैं। प्रधानमंत्री जी 6000 रुपया देते हैं हर साल किसान सम्मान निधि, हमने अभी 4000 रुपया जोड़ा ताकि छोटे से छोटे किसान के 10000 रुपया तो सुनिश्चित हो जाए। तो ये एक नहीं, अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बड़ी मेहनत से गर्मियों में आपने गेहूं कटा नहीं कि मूंग की तैयारी शुरू कर दी, कोई आसान काम भी नहीं है, मेहनत लगती है, धूप में बरसात में आप डटे रहे, और आपने अपनी फसल का उत्पादन किया है। हमारा भी संकल्प है आपके पसीने की पूरी कीमत आपको मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आप सबके सहयोग से, शांति से, धैर्य से मूंग की खरीदी का काम होगा और किसान हमारा समृद्ध और खुशहाल बनेगा। कमल पटेल मुझे बता रहे थे कितने करोड़ का फायदा होगा किसानों को मूंग की फसल से, लगभग जो है इसमें आप ये मान लें सर कि करीब 6 लाख मीट्रिक टन हुआ, 6 लाख मीट्रिक टन है, और सर करीब 7200 रुपए हम देंगे, खैर करोड़ों रुपयों का फायदा कुल मिला के किसानों को होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, सब प्रसन्न।